हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें हमारी एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन। तो हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन था, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेना है, उसके लिए बस यहाँ पे ये ऑर्डर याद रखना है। जो ऑर्डर में पहले आता है वो फर्स्ट, जो ऑर्डर में सेकंड आता है वो सेकंड आपको लेना है ना। बस ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद नहीं, फॉर्मूला तो मैं बार बार आपको लिखवाऊंगी तो आपको याद हो ही जाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स डॉट साइन एक्स हो गया। तो फंक्शन को पहचानो कि ये फंक्शन कौन सा है। तो ये फंक्शन है हमारा यहाँ पे एलजेब्रिक फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है, तो ये है हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप देखो आपके ऑर्डर में ए और टी, तो ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। तो ए फर्स्ट फंक्शन है और टी आपका यहाँ पर सेकेंड फंक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेकेंड है। तो बस अब हम फॉर्मूला जो हमें आता है वो हम लगा लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज, ये दिस इम्प्लाइज, या आई इक्वल टू लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कौन है, साइन एक्स है, और ये आपका डीएक्स। इंटीग्रेशन कर रहे तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे ना, तो डीएक्स आ गया। अब ये सेम चीज उठा करके आप वापस लिख लो, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन एक्स डीएक्स लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी बाय डीएक्स लगाना है, ब्रैकेट बना के इसको क्लोज करना है, एक और इंटीग्रेशन लगाना है, और डी एक और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही करोगे ना, तो ये इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में डीएक्स लिखा और यहाँ माइनस का साइन, और हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व हो जाएगा, ये आपका एक्स हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा यहाँ पर होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का कॉस एक्स हो गया। फिर माइनस, ये इंटीग्रेशन का काम बाद में जब अंदर वाला सब सॉल्व हो जाए। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, तो वन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो माइनस का कॉस एक्स होता है, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एक्स, यानी कि ये अंदर का जो दो प्रोडक्ट में है उसको सॉल्व करने के बाद में हमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस का एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और ये माइनस ये बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपका कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। तो माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस आपका यहां पर क्या हो गया, सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है ना, फॉर्मूला भी बहुत इजी है, याद रखना है इसको, कोई टफ काम नहीं है यहाँ पे। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो सेकंड क्वेश्चन, तो वो भी हमारा इसी तरीके से। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ साइन एक्स की जगह पे क्या हो गया, साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे थ्री एक्स हो गया, साइन थ्री एक्स हो गया है। तो इसमें भी पहचानो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये हमारा एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लिखो आई एल ए टी ई हो गया, तो एलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है आपका बाद में। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ फर्स्ट रखेंगे, इसको हम सेकंड रखेंगे। तो फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, तो साइन थ्री एक्स डी एक्स हो गया। फिर से आप यहाँ पे सेम लिख दो, एक्स को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करना है साइन थ्री एक्स डी एक्स का। फिर आपको क्या करना है, इसके आगे डी बाय डी एक्स लगा दो, ब्रैकेट बना दो, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी एक्स तो लगेगा ही, और माइनस कर दो, इजी। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये लिखने का तरीका है। तो ये आपका एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। तो एक्स की जगह एक्स होता तो कोई बात नहीं, नीचे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्स की जगह पे थ्री एक्स है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो, डी बाय डी एक्स ऑफ कितना, थ्री एक्स, तो आपका थ्री बाहर आ जाएगा और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ जो थ्री आया है उसका हम यहाँ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर माइनस, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आप ब्रैकेट को भी रखो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, वन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स, अभी हमने यहाँ पे देखा कि माइनस का कॉस थ्री एक्स अपॉन कितना हो गया, आपका थ्री हो गया, ठीक है, और ये आपका डी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस हम बाहर लेते हैं, माइनस का एक्स बाय थ्री इसके इसमें लिख दिया, और ये आपका कॉस थ्री एक्स हो गया। फिर माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, क्योंकि अंदर ये वन है, वन से मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म रहेगी ना, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये वन बाय थ्री को भी हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा, कॉस थ्री एक्स कितना बचा, डी एक्स बच गया, ठीक है। अब ये तो आपका सॉल्व ही है, माइनस का एक्स बाय थ्री कॉस थ्री एक्स हो गया, फिर ये प्लस का वन बाय थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे थ्री एक्स है, तो अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री एक्स करना पड़ेगा और उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड कितना आ गया, थ्री आ गया। तो फाइनली कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये थ्री दिनों के डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का एक्स बाय थ्री
3x, फिर प्लस 1 बाय, या 1 बाय तो नहीं, तो साइन 3x बाय 3 3 से आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस सी लगाना तो हमें भूलना ही नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इजी, बहुत इजी। चलो अब आप वीडियो को पॉज करके देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन खुद कर सकते हो, तो आप ट्राई करके देखो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ILATE, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है, तो ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहा, तो ये फर्स्ट आ रहा है, तो ये फर्स्ट, इधर से हम काउंट करते हैं ना, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लेंगे फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यहां पे रखेंगे सेकंड। चलो करो, तो आपको पता ही क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स, फिर अगेन आप यहां पे भी लिखो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स, फिर आपको यहां क्या लिखना है, डी बाय डीएक्स लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटीग्रेशन लगा देना है और डीएक्स कर देना है। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट, हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स आपका ई पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर 2x होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स ही रहेगा, और ये आपका डी एक्स हो गया। तो ये अब यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स हो गया, 2 यहाँ हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एक्स हो गया। तो अभी हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये अभी भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा एक फंक्शन ये रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे को हम यहाँ पे क्या करते हैं आई मान लेते हैं, इस पूरे को हम आई वन मान लेते हैं, मानना कि ये क्वेश्चन हमारा आई था और इसको हम यहाँ पे आई वन मान लेते हैं, आई वन मान के और हम इसको इधर साइड में फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी सॉल्व हुआ नहीं ना, इंटीग्रेशन गया थोड़ी ना अभी। तो नाउ लेट आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ई पावर एक्स डी एक्स हो गया। तो आपको पता ही एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकेंड होगा। तो फिर से यहाँ पे लिखो एक्स एज इट इज आई वन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, फिर आपका यहाँ पे अगेन आप चाहो तो ये ऐसे लिख लो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स रहेगा, यहाँ भी आपका डी एक्स आएगा, फिर क्या लगाना है आपको डी बाय डी एक्स लगाना है, ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, देन इंटीग्रेशन लगाना है और डी एक्स का साइन यहाँ डी एक्स लगा देना है। सॉल्व करो तो ये एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है तो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है तो ई पावर एक्स ही होता है, और ये डी एक्स हो गया। तो ये आपका कितना हो गया एक्स ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स हो गया। करो इसको आप फिर से यहाँ पे इंटीग्रेट, तो ये हो गया एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस आपका सी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने इसको सॉल्व किया, तो ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर ये आ रहा है। तो अब बस ये वाली वैल्यू को वापस यहाँ पे रख दो, तो आप लिख लो नाउ, नाउ हम फिर से आई के पास चलते हैं, तो नाउ आई इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ये आपका एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या है माइनस का टू एज इट इज, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस आपका सी हो गया, ठीक है। तो सी का तो कुछ नहीं, आप बाहर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया माइनस प्लस माइनस टू एक्स ई पावर एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2e पावर x हो गया, और 2 इंटू सी आपका c ही यहाँ पर रह गया। अब हमारे पीछे जो आंसर दिया है उसमें e पावर x कॉमन लिया हुआ है, तो हम भी e पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से आपका 2x बच गया, यहाँ से आपका 2 बच गया, और ये आपका प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, इजी। तो ये देखो कभी कभी हमें 2 बार 3 बार भी ऐसे आगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन ये पूरा क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, तब तक हम इंटीग्रेशन करते रहेंगे। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। थैंक यू।